Hello everyone, it's me Ribabasi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well by the grace of Almighty Allah. So friends, आज हम जा रहे हैं रावलपिंडी की बाजार में कुछ खास चीज बाय करने के लिए. वो खास चीज क्या है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, तो फिलहाल हम बाहर चलते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम पैदल चलते हुए ऑटो लेंगे. बाहर ट्रैफिक तो बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है पैदल वॉक करने में. और मेरे साथ मेरी सिस्टर और मेरी छोटी सी कज़न भी हैं, क्यूट सी. बाय बाय. रावलपिंडी का बाजार देखेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी हमें ऑटो मिल गया है और अभी हम ऑटो में चढ़ रहे हैं. और ये मैं और ये है हमारी रामीन, जिसने बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई की है, माशाल्लाह. और अभी हमारे साथ ये रावलपिंडी के ऑटो वाले हैं और ऑटो में भी वेट में मज़ा आ रहा है. गाड़ी का अलग मज़ा होता है, ऑटो का अलग मज़ा होता है. और ये पता नहीं हमें कौन सी बाजार लेकर जा रही है. देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है. और आप लोग मेरे साथ रहिएगा. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, तो गाड़ियाँ जो है वो ख्याल करके चलानी होती हैं, मतलब अपना ख्याल करें. सो फ्रेंड्स, वो खास चीज़ जो हम यहाँ से बाय करने आए हैं वो है हैंड ग्लोव्स. क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मरी गए थे तो हमारे हैंड ग्लोव्स जो थे वो वूल के बने हुए थे, जो बर्फ़ में बहुत आसानी से गीले हो रहे थे. इस वजह से हम यहाँ लेदर के हैंड ग्लोव्स बाय करने आए हैं. तो हमारे साथ रहिएगा एंड तक और देखिएगा कि हम हैंड ग्लोव्स खरीदने में कामयाब होते हैं कि नहीं. कैसा फील कर रही हो? रावलपिंडी की बाजार में जा रहे हैं हम. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं. मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी तरह ही. और आई नो कि मेरे फैन भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह ही कि हम अरीबा की पूरी व्लॉग देखेंगे और देखते हैं कि अरीबा रावलपिंडी में क्या क्या दिखाती है. तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा. बाजार जा रहे तो रामीन फिर माँ भी हलनम, माँ भी हलनम. अच्छा जैसे हाँ बाबा तुम भी हलती हैं. दूर है आपको ले जा रहा हूँ. अच्छा आप कुछ बताएंगे? अच्छा अच्छा हम लोग सो फ्रेंड्स, हम बाजार में पहुंच चुके हैं. मतलब यहाँ की जो फीलिंग होती है ना रावलपिंडी की, वो भी अलग है. वाओ, ये जी हैं यहाँ पर ले जा रही हैं. माता तो पिला सामान. और ये यहाँ से बाजार होती है शुरू. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं. शॉप्स हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे कहीं पर भी हैंड ग्लव्स नज़र नहीं आए, तो हम किसी और तरफ जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और यहाँ पर सर्दी के हिसाब से बहुत ही अच्छे सूटर्स, जैकेट्स, शर्ट्स बहुत ही अच्छी मिल रही हैं. जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई. हमारी सर्चिंग अभी तक जारी है. यहाँ
पे देखते हैं हमें कुछ समझ आ रहा है। रामीन ना ना बाबा ना ना अच्छा ये कितने का है? ये नहीं लो, अच्छा लग रहा है तुम्हें? ये में ऐसा नहीं है, ऑर्डर तो ना वो अच्छा ठीक है, डिस्टा बाबा डिस्टा इससे पश्तो में बात करें ना आप, मैंने रामी ने इस पश्तो में जवाब दे सही लगा है सब वठनी है यार। अच्छा वाओ तो कहीं और ना निमी के रेडी रहे ना। ओके अच्छा वठी ने गला है सुना। सो फ्रेंड्स हम रामीन के लिए ये ले रहे हैं, सही लगा है इसके गला अंकल साहब आता है बच्चों 250 सलूर सो इस टाइम की चाहिए ताकि हम बर्फ में एंजॉय कर सके। बच्चों कैसे नहीं मिल रहे क्योंकि हम उस दिन भी मरी गए थे घूमने, तो पूरे जो ग्लव्स थे हमारे गीले हो गए थे, तो हम सब अपने लिए यही लेने आए खास, लेकिन ये बच्चों के नहीं मिल रहे यहाँ पर। हाय चढ़ा रामी, ये भी है इसमें से जो है हमारे फिंगर्स बंद होता तो अच्छी थी, आप खेल सकते हैं अच्छी तरीके से। ये यहाँ के जो लोग हैं ना वो थोड़े से जल्दी नाराज हो रहे हैं, सिंध के लोग हैं ना वो ऐसे नहीं है ना, कच्चा नाराज हो रहे हैं। नहीं नहीं बच्चों सिंध के लोग ऐसे नहीं है, वो हमेशा मोहब्बत और उनकी दिल जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पर कुछ लोगों के बिहेवियर से अरिबा थोड़ी अपसेट हो गई है, बट इट्स ओके, ऐसा होता है, सो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आगे चलना होगा, सो इट्स ओके। फाइनली जो चीज़ हम लेने आए थे आखिरकार वो हमें नज़र आ ही गई। सो गाइस यहाँ पर कितनी हैंड ग्लोव्स की वैरायटी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर पप्पू और मैं हैंड ग्लव्स पहनकर चेक कर रहे हैं।
ये सब हैंड ग्लोव्स हमने सेलेक्ट किए हैं परचेज करने के लिए। इनमें से आप लोग को कौन से हैंड ग्लोव्स अच्छे लग रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ये हमें पठान बाबा मिले हैं जो कि काफी साल सिंध में काम कर चुके हैं। सिंधी लोग कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। जाओगे ना जिसके सन का जमीन शोर हो जाए तो मेरा इस तरह सलाम देना। जी जी जी। मैं 6 साल रहा हूँ लेकिन अब नहीं, 71 से लेकर 76 तक। अच्छा। मैं फौज में था, हम उधर आम के बाग में मोर्चे बना के ना ट्रेनिंग करते थे, रात को बैठने से आम का था। रात को उठ के ना इतने इतने आम पे चढ़ के आम इतने इतने आम का था। और किस समय मैंने उन बागों में और किस अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बेटी अल्लाह आपको भी खुश रखे। सो फ्रेंड्स, हमें जो चीज़ बाय करनी थी वो हमने बाय कर ली है और अभी हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।